أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره أخرجه الإمام أحمد والنسائي أيوة والحاكم حضرات هذرات أرخواتين إسلام خير الناس سببى بهتر لوك समाज के चुनिंदा लोग और समाज के पसंदीदा लोग जिनको नबी आ सलाम ने अपनी ज़बान मुबारक से सबसे बेहतर लोग करार दिया ऐसे खुशनसीब लोगों का ततकरा हम लोग मुसलसल सुनते आ रहे हैं आज आप और ख्वातीन के सामने एक ऐसी हदीस का ततकरा करने जा रहा हूँ जिसमें नबी आ ने खास तौर पर औरतों में से बेहतर औरतों का तकरा किया या औरतों को ये सिखलाया कि वो औरतों में सबसे बेहतर कैसे बन सकती हैं अदरत अबू हरे रजील् रावी हैं इमाम अहमद ने अपनी मुस्नत के अंदर इमाम नसई ने और इमाम हाकिम ने अपनी किताबों के अंदर इस हदीस को रिवायत किया शक्ल वानी रमतल आ इस हदीस को सही करार दिया है फरमाते हैं कि नबी आ सलात सलाम ने फरमाया कि औरतों में सबसे अच्छी औरत वो है कि जब शौहर उसे देखता है तो शोहर को खुशी महसूस करवाए शोहर जब उसे किसी बात का हुक्म दे तो वह उसकी फरमा बरदार बन जाए और अपने नफ्स और माल के सिलसिले में अपने शौहर की मुखालफत ना करे ऐसा कोई काम ना करे जिसको वह नापसंद करता है इस हदीस में पैर नबी वसल्लम ने एक पाक बाज औरत एक नेक औरत एक अच्छी और मिसाली बीवी की सिफात बयान की हम में से हर कोई चाहता है कि समाज का सबसे बेहतर इंसान बने खानदान और माशरे में मुझे सबसे अच्छा समझा जाए खुवात चाहती होंगी कि मुझे सबसे बेहतर औरत समझे मैं सबसे अच्छी हूँ सबसे बेहतर हूँ पैर नबी सल्लाम ने बीवियों में सबसे अच्छी बीवी कोई खातून कैसे बन सकती है इस हदीस में नबी सलाम ने यह बात बयान फरमाई है आप वसल्लम ने इस हदीस में चार बड़ी बातें बयान फरमाई हैं चार ख़ुसूसियात बयान की हैं कि औरत को अपने अंदर इनको पैदा करना चाहिए अगर वह अपने शौहर के हक़ हाँ में सबसे बेहतर बीवी बनना चाहती है चार सिफात हैं जिनको एक औरत को अपनाना चाहिए अगर वो सबसे अच्छी और मिसाली बीवी बनना चाहती है और ऐसी बीवी बनना चाहती है जिसको नबी सलाम ने अपनी जबान मुबारक से सबसे बेहतर बेहतर बीवी सबसे बेहतर औरत होने की ज़मानत दी है क्या है वो चार सिफात नबी सलाम ने फरमाया इदा नदर के शौहर जब उसको देखे तो वो खुश हो जाए ये कैसे होगा इसमें तो इस हो इस सबसे पहले तो इस बात की तालीम है कि औरत को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि शोहर किन बातों से खुश होता है शोहर किन बातों से खुश होता है इस बात का पता बीवी को होना चाहिए और हर औरत ये बात बखूबी जानती है कि शौहर किन बातों से खुश होता है मिजाज मिजाज का फर्क होता है हर मर्द एक मिजाज का नहीं होता हर शख्स एक मिजाज का नहीं होता लेकिन साथ रहने वाली बीवी अपने शौहर के बारे में ये बात बखूबी जानती है कि उसका शौहर किन बातों से खुश होता है और किन बातों से नाराज़ होता है तो सबसे पहले तो औरत को शौहर का मिजाज शनास होना चाहिए और ये बात याद रखिए कि बीवी से बेहतर कोई शौहर के मिजाज आशना नहीं होती उससे ज़्यादा कोई अपने शौहर के मिजाज को नहीं जानती मिजाज को जानने के बाद सबसे बुनियादी बात यह है कि औरत को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे अपने शोहर के मिजाज के मुताबिक चले जाहिर बात है शरीयत इस्लामिया के दायरे के अंदर शरीयत की मुखालफत करते हुए नहीं लेकिन शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए अपने शोहर के मिजाज की पाबंदी करे देखिए कि शौहर किन बातों से खुश होता है इस इन अल्फाज के अंदर एक पहलू यह भी निकलता है कि शौहर को बीवी की कुछ आदतें पसंद होगी कुछ आदतें ना पसंद होगी तो औरत को चाहिए कि शौहर की नापसंदीदा आदतें छोड़ दे और शौहर के नज़दीक जो पसंदीदा आदतें हैं उनको अपनाने इख्तियार करने की कोशिश करे ऐसे कि शोहर उसे देखे तो खुशी महसूस करे शोहर उसे देखे तो खुशी का एहसास उसके दिल के अंदर जागे वो अपने आप में खुश और मुतमईन हो जाए और इसका एक पहलू यह भी है इस्लामी शरीयत इस बात की तालीम देती है कि बीवी अपने शौहर के लिए बनने संवरने का भी एहतमाम करे मैं जब इस वक्त ये बातें कर रहा हूं तो जाहिर बात है बहुत सारी खवातीन के सवाल जहन में ये बात भी आती होगी कि शौहरों को भी तो ये सब कुछ करना चाहिए बिल्कुल बहुत सारी बातें जो शौहरों के साल सिलसिले में हमने इससे पहले आपके सामने रखी कि खई रुकुम खुमे सबसे बेहतर शौहर वो है जो अपनी बीवी के हक में बेहतर वाक हो तो शौहर को भी वो बातें बताई गई हैं लेकिन आज मुनासिबत औरतों की आई है तो हम औरतों के मसाइल का ख़ुसूसी तौर पर तस्करा कर रहे हैं वरना शोहरों से मुताल गुफ्तु पहले हो चुकी है पिछले हमारे अपनी मजलिसों में से एक मजलिस में हमने खास तौर पर एक मजलिस इसी के लिए रखी है तो एक बात यह भी कि शौहर के लिए बनने सवरने का औरत अहतमाम करे ऐसे कि शौहर उसे देखे तो उसे खुशी महसूस हो तो पहली बात या पहली सिफत अलैहि सलाम ने यह बयान फरमाई कि बीवी को ऐसा होना चाहिए कि शौहर उसे देखे तो खुशी महसूस करे दूसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कहा वह तो अमर शौहर किसी बात का हुक्म दे तो फरमा बरदारी करे देखिए इस्लामी शरीयत ने यह बात रखी है कि बीवी पर शौहर की फरमा बरदारी फर्ज है शौहर की इतात फर्ज है जब तक के शोहर अल्लाह तबारक की मुखालफत का हुक्म ना दे और जब तक के शौहर को, को कोई हुक्म जुल्म के दर्जे में ना जाए बाकी जहां तक दुनिया के मामला रोजेमर्रा के मामला की अपनी मर्जी होते हुए भी उसे शोहर का फर्मा बरदार होना चाहिए इस्लामी शरीयत ने ये बात हम और आपको सिखलाई और बतलाई है कि शौहर की फर्मा बरदार हुआ करे जो हुक्म दे उस हुक्म को बजा लाए प्यारे से इस सिलसिले में मुतद अहादि आई है जिनमें नबी सला ने बीवियों को अपने शोहरों की फर्मा बरदारी करने का हुक्म दिया है ये दूसरी सिफत है कि शौहर जिस बात का हुक्म दे शौहर की फर्मा बरदार बीवी बनकर रहे पहली सिफत शोहर उसे देखे तो खुशी महसूस करे दूसरी सिफत के जब हुक्म दे तो वह हुक्म बजा लाए और तीसरी सिफत और तीसरी चौथी नबी अली ने दो सिफात एक साथ जिक्र की कहा अपने नफ्स के सिलसिले में और माल के सिलसिले में ऐसा कोई काम ना करे जो काम शौहर को ना पसंद हो हम बात करते हैं सबसे पहले नफ्स के सिलसिले में नफ्स के सिलसिले में ऐसा कोई काम ना करे जो शौहर को ना पसंद हो इससे मुराद शौहर जिन लोगों से मिलने मिलाने को पसंद नहीं करता जैसे मिसाल के तौर पर आपके अपने रिश्तेदार मुतालिकीन हैं जिनमें से बाज के मामला को खामका शुबह में डाल सकते हैं या शोहर को नापसंद है कि वो आप तक आए या आप लोगों तक आए तो ऐसा कोई मामला जो आपके नफ्स के सिलसिले में शोहर को नाराज कर सकता है वहां आप शोहर की फरमा बरदारी करें किसी से ना करें लेकिन कते ताल्लुक से आगे बढ़कर यह होता है कि आप अपने घर में बुलाकर उनका इस्ते करें आप उनको अपने घर में रोकें आप शोहर की मर्जी के खिलाफ उनकी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर भगत करें बल्कि बसाओकात ऐसा भी होता है कि कुछ खातन नाराजगी का जब वक्त होता है शोहर से नाराजगी का वो जानती हैं कि शोहर इस बात को ना पसंद करता है कि मैं अपनी फला रिश्तेदार से फला फलाक से किसी किस्म का रिश्ता रखूं शोहर को कहती हैं जलाने के लिए या शोहर को बताने के लिए और ज्यादा इस किस्म के मामला करते हैं नबी साम के अल्फाज की रोशनी में ये किसी अच्छी खातून की अलामत नहीं है इससे आगे बढ़कर अल्लाह के नबी ने एक और बात कही कि माल के सिलसिले में यहां माल शोहर का माल भी है यहां माल औरत का माल भी है शोहर का माल है तो शोहर की मर्जी के खिलाफ खर्च ना करें शोहर की इजाजत के बगैर खर्च ना करें अगर उर्फ के एतबार से शोहर ने आपको छूट दे रखी है सौ रुपये तक पचास रुपये तक आप उठा ले तो शोहर कोई कहता नहीं तो बात अलग है उससे आगे खर्च करना चाहती हर बीवी और शोहर के दरमियान ये चीज समझी समझाई होती है आप उसके माल में उसकी मर्जी के खिलाफ तस्वर तसरुफ ना करें वहीं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और हदीस से यह भी पता चलता है कि बीवी का अपना माल है यकीनन वो अपना माल खर्च करने की मजाज है लेकिन अपना माल खर्च करते हुए शोहर की इजाजत ले ले शोहर को इत्तिला दे दे शोहर को बता दे कि मैं अपना ये माल फुला खैर में या फुला मुकाम पे खर्च करना चाहती हूँ या किसी को मैं देना चाहती हूँ तो वो अपने शोहर को इत्तिला देकर ये मामला करे हमारे समाज में शोहर की लाइलि के साथ माल में और घर में तसरुफ करना यह खीन की खराबियों में से एक बड़ी खराबी आप खुतिन जो मेरी गुफ्त को सुन रही हैं आप बखूबी जानती हैं कि कितनी मरतबा शोहर की मर्जी के बगैर शोहर की इजाजत के बगैर बल्कि बसा औकात बहु बखूबी जानती हैं कि शोहर को ये बात नापसंद है लेकिन चूंकि शौहर ला इल्म है इसलिए ऐसे बहुत सारे तसरुफा अपने घर में और अपने माल में कर जाती हैं बस इस इरादे के साथ के शौहर को पता नहीं चला है बल्कि कहती हैं कि मेरे शोहर को पता नहीं बताओ नहीं बच्चों को कहती अब्बो को पता नहीं बताओ नहीं अगर पता चल जाएगा तो मेरी खैर नहीं होगी नबी नबीतला ने यह बात बयान फरमाई अच्छी बीवियों की यह भी एक अलामत है कि वो ऐसी कोई हरकत नहीं करती चार सिफात अल्लाह के नबी ने गिनाई पहली सिफत कि शोहर जब उसे देखता है तो खुशी महसूस करता है शोहर जब हुक्म देता है तो बजा लाता है अपने नफ्स की अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करती है और ऐसा कोई मामला अपने नफ्स के साथ तसरु करने के मामले में नहीं करती मिसाल के तौर पर बेपर्दा बाहर निकल जाए मिसाल के तौर पर किसी मेहमान से ज़रूरत से ज्यादा बेतकल्लुफ़ हो जाए मिसाल के तौर पर बार बार मार्केट का रुख करे मिसाल के तौर पर अपने रिश्तेदारों में से किसी से जरूरत से ज़्यादा मेल जोल बढ़ाने की कोशिश करें अपने नफ्स की हिफाजत करती है शोहर जिसको ना पसंद करता है ऐसा कोई काम नहीं करती और माल में शोहर का माल हो या औरत का खुद का माल हो ऐसा कोई तसरुफ नहीं करती जिस तसरुफ को शोहर ना पसंद करता है ये चार सिफात जिस औरत के अंदर पाई जाए नबी अलैहिस्सलाम ने कहा खैर उन्नीस ये औरत सबसे बेहतर औरत है यह सबसे अच्छी औरत है हमारी खातन इन चार सिफात को देखें अक्सर वेशतर इन चारों में कमी और कोताही पाई जाती कई औरतें ऐसी हैं जो अब इतनी लापरवाह हैं कि उन्हें शोहर की खुशी से कुछ लेना देना नहीं वो मामूल है इब्तदा में बनने संवरने का भी या शोहर की पसंद ना पसंद का ख्याल रखना उसके पहनने अपने रहन सहन उसके खाने पीने सारी चीजों के अंदर वो इब्तदा में ख्याल रखती हैं लेकिन एक मुद्दत के बाद शोहर से एक तरह से गाफिल हो जाती है नाफरमानी का मामला ये दुनिया का जो है जाना माना मसला है और तीसरे नंबर पर अपने नफ्स की हिफाजत अपने हिसाब से नहीं शोहर के हिसाब से करने की जब बात आती है इस मामले में बहुत ज्यादा कोताही से काम लेती हैं और माल में तसरफ करना शोहर के इल्म के बगैर इजाजत के बगैर इसमें भी बहुत सारी कोताहियां इन सारी कोताहियों कीजिए की ताकि आप खुन औरतों में सबसे बेहतर औरत होने का जो एजाज़ अल्लाह के नबी सल्लम की ज़बानी इस हदीस में दिया गया है अपने आप को उसके हकदार बना सकें अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरत और ख़ुतिन को जो बातें हम कहते सुनते हैं कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला मुसलमान बनाए आमीन व आखिर रबालमीन